स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव प्रमोद सिंह के आदेश पर 1 सितंबर से स्कूलें पुनः प्रारंभ हुई है। 27 अगस्त को जारी आदेश के तहत कक्षा 6 से 12 तक की सभी कक्षाएं 50% क्षमता के साथ प्रारंभ हुई। उप सचिव सिंह के आदेश में कार्यरत स्टाफ को टीके का कम से कम एक डोज लगाना अनिवार्य है। अभिभावकों की सहमति से कोविड प्रोटोकॉल के पालन की शर्तों का पालन करना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा ऑनलाइन कक्षाएं पूर्ववत संचालित होगी। दूरदर्शन और व्हाट्सएप ग्रुप पर शैक्षणिक सामग्री का प्रसारण पूर्ववत जारी रहेगा। स्कूलों में भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड प्रोटोकॉल SOP का पालन अनिवार्य किया गया है। बुधवार को 6 से 8 तक स्कूलों के खुलने के बच्चों की खुशी में बच्चों ने स्कूल पहुँचे और बच्चों को सैनिटाइजर के साथ ही मास्क भी बांटे गए। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। हमारा जो है बच्चों की उपस्थिति अच्छी है, पालकों की सहमति के आधार पर सहमति पत्र भरवा कर शासन के आदेश अनुसार स्कूल का संचालन प्रारंभ किया है, जिसमें कक्षा 6 से लेकर 8 तक के बच्चे अच्छी संख्या में उपस्थित हुए हैं, क्योंकि निर्देश अनुसार 50% बच्चों को ही एक दिन में बुलाना है, इसलिए हमने 50% बच्चों को ही आज शाला में बुलाया है। पहले दिन जो बच्चे मास्क लेकर नहीं आए थे उन्हें मास्क का वितरण किया गया, सैनिटाइजर से हाथ साफ करवाए गए, उसके बाद में शाला में उनको बैठने की अनुमति दी गई और स्पष्ट निर्देश दिए हमने कि भाई कल से शाला में जितने भी बच्चे आएंगे टोटल अपने साथ में मास्क लेकर आएंगे और हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।